हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज हम लोग जानने चल रहे हैं सीयूटी यूजी का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन विंडो भी ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अभी उसी के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। आपके नोटिफिकेशन को पूरा एक्सप्लोर किया जाएगा, क्या क्या चीजें हैं और कब से कब तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्या गलतियां नहीं करनी है आपको फॉर्म फिल करते वक्त, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये ऑफिशियल विंडो है जो कि मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन नाउ। ठीक है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, आपका कब से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है और कब से कब तक चलने वाला है। सारी जानकारियां हम लोग आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए शुरू से अंत तक, वो आप सारी चीजें आपको डिटेल में पूरा पता कर चल जाएंगी। ठीक है, क्या गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो बाद में वही है, आपको करेक्शन के लिए पैसे भी देने हो सकते हैं, पड़ सकते हैं। ठीक, तो एक बार मैं पेन पेन को ले लूं, फिर उसके बाद आगे चलता हूं। तो यहां पे जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका एप्लीकेशन 27 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो गया था। ठीक है, 27 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया, कब तक फिल होगा? 26 मार्च तक इसको लास्ट डेट होगा आपका फॉर्म फिल करने के लिए। यानी कि आपके पास ठीक ठाक 1 महीने का टाइम मिल जा रहा है, लेकिन जितना जल्दी कर लेंगे आपका आपके लिए ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, और लास्ट डेट क्या, अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो आप 26 मार्च को ही आपका क्या होगा, ऑनलाइन पेमेंट करने का, यानी कि आपका फीस का लास्ट डेट रहेगा 26 मार्च को। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर करेक्शन डेट की बात करें, अगर आपने कोई गलतियां कर दी फॉर्म को फिल करते वक्त, 28 और 29 मार्च को आपका करेक्शन होने वाला है, यानी 2 दिन करेक्शन डेट रहेगी, ये याद रखिएगा। 28 और 29 को आप करेक्शन कर सकते हैं, आपका करेक्शन विंडो ओपन रहने वाला है। ठीक है, और अगर एग्जाम डेट की बात करें तो भाई आपका 15 से 31 मई को क्या होगा, एग्जाम होने वाला है 15 से 31 मई। यानी कई चरणों में आपका एग्जाम होगा, कई कई मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और अदर अदर जगह पे भी है, तो इस वजह से ना 15 से 31 तक चलने वाला है आपका एग्जाम। 10 दिन करीब, 10 से 11 दिन आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम डेट आपकी क्लियर हो गई होगी। और एग्जाम सिटी कब अवेलेबल हो जा रहा है, 30 को। ठीक है, 30/4/2024 को आपका क्या है, 30 अप्रैल को आपका एग्जाम सिटी अलॉट हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 30 अप्रैल को आपका एग्जाम सिटी मिल जा रहा है, तो और क्या चाहिए आपको, 10 दिन पहले ही मिल जा रहा है, सॉरी 10 दिन 15 दिन पहले ही आपको आपका एग्जाम सिटी मिल जा रहा है, पता चल जा रहा है। उस तरीके से आप अपना क्या कर लेंगे, जर्नी प्लान कर लिए अगर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपका एडमिट कार्ड की बात करें, एडमिट कार्ड जानते ही हैं, 5 दिन पहले 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाता है। ठीक, और रिजल्ट डिक्लेयर का सब कुछ यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। 30/6/2024 को आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने वाला है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, कितनी फीस लगने वाली है, फॉर फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए आपको जनरल कैटेगरी के हो तो उनको 1,000 देने होंगे, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो 900 देने होंगे, एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट रहेंगे तो उनको 800 देने होंगे। और अगर आपने कोई सब्जेक्ट फिर से ऐड किया, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपने फिल किया, तो जनरल के लिए 400 हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि 3 सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1,000 रुपए देने होंगे अगर जनरल में है। लेकिन अगर आप कोई सब्जेक्ट नया ऐड कर रहे हो तो आपको 400 रुपए देने होंगे अगर जनरल कास्ट के हो। अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो तो आपको 375 देने होंगे हर एक सब्जेक्ट ऐड करने पे। आपने तीसरे के बाद चौथा जैसे ही ऐड करा तो आपके एडिशनल चार्ज लगने वाले हैं। ठीक है, फिर एसटी एससी और फिजिकली हैंडीकैप जो आएंगे उनको 350 देने होंगे, यानी 350 रुपीज देने होंगे। ठीक है, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और यूपीआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, फीस को पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका जानते ही है, आप या तो पास किए रहे या आप ईयरिंग 12th में आप रहेंगे, यानी कि अभी तो 12th का एग्जाम चल रहा है भाई लोग, तो अगर आपने 12th में अभी है, एग्जाम चल रहा है, तो आप भर सकते हैं आराम से, एलिजिबल हैं आप, और या तो पास कर लिए हो तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप सीयूटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं। पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटी लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसम यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो गया, इस तरीके से सारा दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आप इसको स्क्रीन में देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए और अपने हिसाब से अपने आप को देख लीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, और ये सेकंड स्लाइड है जिसमें और सारी, जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा हो गया, इस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अभी अलग से मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको प्रोवाइड कर रही है सीयूटी के बेस पे। ठीक है, महात्मा गांधी, आपका बीएचयू भी इसी के बेस पे लिया जा रहा है,
है, ठीक है। और फिर आता है जामिया मिलिया इस्लामिया वाले में भी सीधा सीधा इसी यूजी के लिए ही है, ठीक है, और सीयूटीजी के थ्रू होगा। ये थर्ड स्लाइड है जिसमें कि सारा दिया हुआ है डिटेल। तो आप इसको एक बार, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप जाओ वहां से डाउनलोड करो, चीजों को पढ़ सकते हैं आप खुद से भी, ठीक है। तो अगर अभी चलते हैं आपके नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन में चीजों को और एक्सप्लोर करते हैं, अगर कुछ चीजें छूट रही होंगी। जैसा कि मैंने बता दिया कि एग्जाम डेट आपका 15 से 31 के बीच में होने वाला है, 15 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। और अगर रिजल्ट डिक्लेयर की बात करें, 30 जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और हमें फीस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अब आते हैं आपके मोड ऑफ एग्जामिनेशन और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको दो मोड में एग्जाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दो मोड से आपको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे आपको जैसे कि आपके, एक मिनट पे ले लें, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हाइब्रिड मोड, आपके नोटिफिकेशन में दिया है हाइब्रिड मोड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा जिसमें आप कंप्यूटर बेस्ड भी दे सकते हैं या पेन पेपर पे भी दे सकते हैं। और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें आपके चार ऑप्शंस रहेंगे, उस जो सही रहेगा उसमें से आप एक को चूज करना होगा। और आपका अगर बात करें तो आप मीडियम क्या रहेगा, 13 लैंग्वेजेज में आपका क्या होगा एग्जाम होने वाला है, 13 भाषाओं में आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिशा, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू के भी क्या है, इतने लैंग्वेजेज में आपका एग्जाम होने वाला है। फिर आता है सिलेबस के बारे में, अगर बात करें लैंग्वेज सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट लेटेस्ट जो भी आपने पढ़ा हुआ है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फॉल्ट फैक्चुअल, फिर नरेटिव्स हो गया, लिटरेरी एप्टीट्यूड हो गया एंड वोकैबुलरी हो गया। और जो आपने डोमेन सब्जेक्ट यानी 12th में आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था से पढ़ा हुआ है 12th में, क्लास 12th सिलेबस ओनली, यानी आप क्लास 12th में जो पढ़ा हुआ है उसके बेस पे आपका क्वेश्चन बनने वाला है। फिर आता है जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में क्या आएगा, जनरल नॉलेज से आएगा, करंट अफेयर से आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी से आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग से आएगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड अर्थमेटिक अल्जेब्रा, ज्योमेट्री मेजरमेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपके 3 पार्ट में, यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट से आपका यानी इंग्लिश से आएगा आपका, जिसमें कंप्रिहेंशन हो गया बेस्ड डिफरेंट टाइप पैसेजेस, ये सारे पैसेज दिए, उसमें कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं पैसेज दिया रहेगा, उस पे आपके 2-4 क्वेश्चन बने रहेंगे, उसको आपको आंसर करना होगा, ठीक है। अनसीन पैसेज होगा ये जान लीजिएगा। फिर आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट जो आपने 12th में जिसके लिए चूज किया हुआ है, डोमेन सब्जेक्ट जो आपका होगा मैथ होगा या बायो होगा, उससे आपके उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सिलेबस जनरल टेस्ट में, जनरल टेस्ट में आपका जानते हैं जनरल नॉलेज और सारी चीजें पूछी जाने वाली है। फिर रजिस्ट्रेशन आपका ओपन हो गया, इस वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। वैसे भी मैंने क्या है आपका रजिस्ट्रेशन आपको आसान बनाने के लिए, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन सॉरी सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हुआ है, आप जाओ वहां से डाउनलोड सॉरी क्लिक करके आप सीधा आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लगभग मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हुई है। अगर यहाँ पे बात करते हैं दर इस अब अगर फोटो और सिग्नेचर की बात आई जब, तो यहाँ पे अगर रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि आपको फोटो को या तो कलर में करवाई या तो ब्लैक एंड व्हाइट में करवाई, जो कि 80% फेस आपका विदाउट मास्क होगा, विजिबल होना चाहिए और ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। और स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए सिग्नेचर, जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में आपका फोटोग्राफ रहने वाला है। और आपका जो सिग्नेचर होगा वो 4 से 30 केबी के बीच में होने वाला है। और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो होंगे फिजिकली हैंडीकैप, उनको अपना सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई, और फीस सीधा सीधा आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको फॉर्म फिल जब हो जाए तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल के रखना है, ऐसा मेल आईडी देना है जो कि आपको बाद में जरूरत पड़ने पे आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, एग्जाम स्कीम की, एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो जो कि आपका पेन पेपर या कंप्यूटर बेस्ड पे भी होने वाला है, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने सारी चीजें बता दी है आपको लगभग। और जो चीजें ना समझ में आए आप नोटिफिकेशन को खोल दीजिएगा, वहां पे चीजों को आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ठीक, तो आप इसको एक बार नोटिफिकेशन को पूरा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, मैंने लगभग जो जरूरी चीज थी मैंने कंप्लीट कर दी हुई है। आपका एग्जाम कई शिफ्ट में होने वाला है ये तो पता ही होगा आपको कि एक शिफ्ट में पॉसिबल नहीं है, इतने सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया से भरने वाले हैं,
ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है तो आप कहीं से भी भर सकते हैं इसको। ठीक, अगर बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है हमारे यहाँ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे आपका अलीगढ़ मुस्लिम हो गया, असम यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया यानी BHU जिसको बोलते हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया, इस तरीके से सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके आपके यहाँ क्या कर रही हैं आपका। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी आता है, बस ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके यहाँ CUET पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि आपको जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस पे करना ना भूलेगा, अगर फीस नहीं आपने पे किया तो आपको दिक्कत हो जाने वाली है। ठीक है, फीस पे कर दीजिएगा और सारी चीज़ें लगभग हो गई, अगर कोई डाउट रहे तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट को रिप्लाई जरूर देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे और हैव ए गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।